मुरैना में आयोजित एकता परिषद की जन आंदोलन रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राफेल डील में अंबानी को फायदा पहुंचाने की बात कही, मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्र के किसान मजदूर के लिए संचालित न कर नौकरशाही को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से संचालित करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जिस तरह देश के गिने चुने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, उसी तरह अगर वह जनता के हित की बात करते हैं तो और गरीब शोषित वंचित वर्ग के हित को ध्यान में रखते हैं तो उन्हें भी 35,000 करोड़ की राशि आदिवासी हित की योजनाओं पर खर्च करें। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार जो भूमि अधिग्रहण बिल लाई थी, मोदी सरकार उस बिल को चोरी छुपे उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाना चाहती है। ये जंगल तुम्हारा नहीं है, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये घर तुम्हारा नहीं है। और जो आदिवासी पूछता है अगर आप उसको गोली मारते हो, उस पर आक्रमण करते हो, मगर जब अनिल अंबानी जी ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट मांगा तो आपने उनके जेब में सीधा बिना किसी को पूछे 30,000 करोड़ रुपए जेब में डाल दिया। देश में 30,000 रुपए से मनरेगा बन जाता है और आपने उद्योगपति को मदद करने के लिए उतना ही पैसा उसके जेब में डाला। ठीक है, आप देना चाहते हो दे दो, आप 15 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हो पहुंचा दो, मगर फिर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये मैंने मोदी जी से बात की, क्यों नहीं आप इतना ही पैसा किसानों के लिए एक कर्जा माफ कर दीजिए। इससे पूर्व मंच पर चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ ने भी संबोधित किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को मंच से बोलने का मौका नहीं दिया गया। मुरैना से दिलीप दीक्षित की रिपोर्ट।